किसानों के इनकलाब ने भाजपा का तानाशाही चेहरा पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। किसानों को जवानों से पिटवाकर भाजपा जय जवान जय किसान के नारे की धज्जियां उड़ा रही है। भाजपा ने चीनियों की घुसपैठ को रोकने के लिए इतनी ताकत नहीं लगाई जितनी हमारे किसानों को दिल्ली आने से रोकने पे और उनकी आवाज दबाने पे लगा दी है। सत्य तो आज ये है कि आज पूरा देश देख रहा है कि भाजपा किसान मुक्त भारत बनाना चाहती है। कृषि मंत्री को बुराड़ी मैदान में जाके हाथ जोड़ के सर झुका के शर्म से किसानों से माफी मांगनी चाहिए और ये काले कानून वापस लेने चाहिए, क्योंकि अब ये जग जाहिर है कि काले कानून पास पारित करने वाली भाजपा की नियत मैली है, नीति खोटी है और दिल भी काला है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।